अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुजाहिद हाशमी साहब, गुरुग्राम में जो है गवर्नमेंट की जानिब से जो है जुमे की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिमों को जगह दी गई थी और कई मुशक्कत के बाद, इसके बाद जो है कुछ हिंदू तंजीमों ने जो है उस पर एहतजाज किया और बार बार जुमे की नमाज में जो है रुकने की कोशिश की। बाद में जो है हुकूमत उनके सामने झुक गई और अब नमाज से जो है रोका गया। तो इसको आप क्या समझते हैं, किस तरह की जो है इस तरह से हमारे मुल्क में हिंदू बना मुसलमान पे जो सियासत रची जा रही है और जो डिपार्टमेंट वाले भी जो उसको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या मुसलमान की ये किस तरह की आप चीज समझते हैं या किस तरह की हार समझते हैं और इसके जिम्मेदार किसको समझते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह हुकूमत ने गुरुग्राम में मुसलमानों को नमाज जुमा अदा करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर जगह जो है मुख्तस की थी, अलाट की थी, वो उस मुकाम पर जो है नमाज जुमा अदा करने का जो है हिंदू तंजीमों ने मतालबा किया और शरंगेजी की और जुलूस निकाले। नमाज के दौरान उन्होंने जो है अपने भजन गाने शुरू किए, नारे लगाने शुरू किए, बाजा बजाना शुरू कर दिया। इस तरीके से नक्ज अमन का वो जो है मौजिब बने। तो होता ये है कि इसके बाद हुकूमत जो है उनके मतालबात को तस्लीम करते हुए अपने जो उसने जब जगह जो मुख्तस की थी उससे दस्तबरदारी उन्होंने इख्तियार कर ली। अब यहाँ पर लोगों ने जो देखा वो बात सामने आती है कि बाज जगह मुसलमान जब जुमा की नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे, इस किस्म का जो है जब वो हथकंडे इख्तियार कर रहे थे, तो मुसलमानों ने, उलमा इकराम ने, सब ने मिलकर जो है उस जगह पर नमाज अदा करने से आज खुद उन्होंने अपनी तरफ से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। उसकी वजह यह है, इस्लाम ये चाहता है कि जी किसी किस्म की फितना अंगेजी ना हो। अल्लाह का हुक्म है कि फितना ना करो, ज़मीन पर फसाद बरपा ना करो, फितना ना करो। तो ये जो है एक मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है, जो फैसला है कि वे साबित किया उन्होंने अपने अमल के ज़रिए कि मुसलमान अमन पसंद हैं और सामने जो लोग हैं वो जो है दहशतगर्द हैं, फितनागर हैं, फितना फसाद बरपा करना चाहते हैं, अमन को बरहम करना चाहते हैं, किसी का जो है पास लिहाज रखना नहीं चाहते। जबकि मुसलमानों ने कभी भी किसी के जो है मंदिर में पूजा के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं की, कोई उनके जो है तकलीफ़ देने का, इंसानों को तकलीफ़ देने का बाइस नहीं बने। लेकिन इनके अमल से जो है आज इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम हजरात भी ये सोच रहे हैं कि इसका मौक़िफ़ क्या है। ये फितना अंगेजी, ये जो है रखने डालना, ये नारे लगाना और जो है उसके बाद जो है लोगों को जो है अदब एहतराम नहीं करना, उसके बाद फिर क्या किया, जो जगह पर जो है नमाज की जगह मुख्तस की गई थी उस मुकाम पर ये लोग आए। मुसलमान किस तरीके से आए थे ये भी गैर मुस्लिमों ने देखा, किस तरीके से आए थे मुसलमान, नहा धोकर, पाक साफ होकर, पूरा मन अंदाज में अपनी निगाहों को नीचे रखते हुए, इतर लगाए हुए आ रहे थे। वो जब जा रहे थे तो जो है अमन का माहौल था, सुकून का माहौल था, एक खुशबू उनके साथ का रेला जो है जा रहा था। लोग देखकर मुतासिर होते कि इतनी पाकीज़ा, साफ, पाक और साफ ये कौम है, ये जो है मुसलमान हैं। और उस जगह पर जो मुख्तस की गई थी वहाँ पर लोगों ने यह देखा कि शरंगेजी के साथ साथ उस मुकाम पर उन्होंने गोबर डाल दिया, गोबर का पुतला बनाया, पेशाब का जो है वहाँ पर छिड़क दिया, छिड़क कर वहाँ पर उन्होंने इसकी पूजा कर दी। तो ये जो है कहाँ खुशबू का माहौल, कहाँ पाकिजी का माहौल, कहाँ अमन को कायम रखने का माहौल, कहाँ शरंगेजी का माहौल, कहाँ बदबू और गिलाजत का माहौल, ये लोगों ने महसूस किया कि ये कौन सही है, कौन गलत है और जो है किस अंदाज को अख्तियार करता है। तो जो है लोगों को आज समझने की ज़रूरत है कि लोगों का जहन जो है जो अपनी मर्ज़ी को मुसलत करना चाहता है, तो यकीनन जो है वो खालिक कायनात जो आपका हमका सबका जो है खालिक है, मालिक है, पैदा करने वाला है, वो जो है उनके जहनों का ऐसा जो है मोड़ देता है कि हर बुरी चीज़ उनको अच्छी दिखाई देती है। तो आज समझदार पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए कि जो है क्या जो है वो फ़र्क महसूस कर सकते हैं एक खुशबू में और एक गिलाजत में। तो आप जो है किसकी जो है इबादत करना चाहिए, किसकी जो है क्या मौका इख्तियार करें, कैसा अदब एहतराम का माहौल होना चाहिए जिससे जो है इस ज़मीन पर अमन कायम हो, एक जहती कायम हो और लोगों को दिखे कि कौन महजब हैं, कौन दहशतगर्द हैं, कौन पढ़े लिखे हैं, कौन जाहिल हैं, कौन अपने अमल से बर्दाश्त करते हुए एक जो है बेहतर अंदाज में,
एक महजिब अंदाज को अख्तियार करते हैं, फितने से अपने आप को दूर रखते हैं, मस्जिदों में नमाज अदा कर लेते हैं और वो किसी की जो को रिकॉर्ड का बायस नहीं बनते, तो ये जो है लोगों को समझने की ज़रूरत है कहाँ ये खुशबू का माहौल, कहाँ ये जो गंदगी और बदबू का माहौल, गिलाजत का माहौल, लिहाजा लोगों को समझने की ज़रूरत है। आओ इस तरफ जहाँ पर जो है पाकिजगी है और खालिक की पहचान है और अकल जो है आपको इस बात की दावा अकल को जो है इस्तेमाल करें तो जो है जो चीज़ गलत है, जो चीज़ गलीज है, जो चीज़ पाकिजा है आपको समझ में आइए। अल्लाह आपको इस बात की तौफीक दे। रब्बिग़फ़िर वरहमुक अंता खैरुर राहिमीन।